न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के नागपुर से आई हुई खबरों पर। नागपुर में तीसरी मर्तबा जीते नितिन गडकरी जी। जी हाँ, नागपुर में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के प्रत्यक्ष नितिन गडकरी ने नागपुर संसदीय सीट से जीत की हैट्रिक लगा दी है। मंगलवार को ही मतगणना में उन्होंने 6,55,027 वोट हासिल करते हुए विकास ठाकरे को 1,37,603 वोटों से पराजित किया है। ठाकरे के खाते में 5,17,424 वोट आए। हालांकि इस क्रम में गडकरी को 2019 में चुनाव की तुलना में कम वोट मिले और ठाकरे कांग्रेस को तब मिले वोट से अधिक वोट लेने में सफलता हुई। फिर भी पूरे हर्षोल्लास के साथ जीत का जश्न मनाते हुए गडकरी जी के चाहने वाले उनके महल पस्ती तो वाड़े पर नजर आए और साथ ही जलघोष की नजर लहराई। इसी के साथ आयोजित कार्यक्रम में माजी नगर सेवक बंडू राउत ने नितिन जी को बधाई दी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री श्रीकांत आगलावे ने वहां उपस्थित सभी जनताओं का आभार प्रदान किया। इसी के साथ आमदार गिरीश जी व्यास कृपाल, इसी के साथ शेख व इतर पद अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। इसी के साथ महिलाओं ने गुलाल तैयार ठेवा जैसे नारे लगाए और उत्साह से जीत का जश्न मनाया। श्री जी सिर के आज होते, परंतु नितिन जींना केव्हाही दिल्लीला जावं लागणार आहे म्हणून नितीनजींनी आम्हाला आपल्या घरी बोलवलं होतं। परंतु आम्ही नितीनजींना सांगितलं की नितीनजी BSP चा कॅन्डिडेट अतिशय कमी मत घेणारा कॅन्डिडेट होता, नेक टू नेक फाईट झाली, काम केलं याचा हा रिझल्ट आहे आणि म्हणून सगळ्याचे परत एकदा धन्यवाद झालाही सदैव मंडळाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी, मंडळाच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी, आपले आमदार विकासभाऊ कुंभारे, आपले लाडके तरुण आमदार प्रवीणजी दटके यांच्या नेतृत्वात जे काम केलं, काकी गुजर आपण वरती या, काकी फोटो नंतर काढू, आपण जे काम केलं, नितीनजीचं जे प्रेम आपल्यावर आहे आणि आपलं प्रेम जे नितीनजीवर आहे, देशात काही जरी परिस्थिती असली तरी नागपूरच्या लोकांनी नितीनजींना भरपूर साथ दिली आहे याचा आभार करण्याकरता आज आपण इथे उपस्थित आहोत। सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, तो उत्साह परत दुगणित करायचा आहे। बोलो भारत माता की। आजच्या आपल्या या विजय उत्सवामध्ये मंचावर उपस्थित सर्व भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी इथे उपस्थित, सर्व मातृशक्ती युवा मोर्चाचे सर्व कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ सर्व कार्यकर्ता, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज आपला विजय उत्सव माननीय नितीनजींच्यासाठी आपण इथे एकत्रित आलो। आज आपण सगळ्यांनी गेल्या 2 महिने सातत्याने सर्व कार्यकर्त्यांनी, सर्व महिला मोर्चाच्या, सर्व भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपूरच्या, सर्व युवा मोर्चाच्या आणि सर्व आघाड्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जे अहोरात्र मेहनत केली त्याचं फळ आपल्याला दिसून आलेलं आहे। हा विजय जरी नितीनजींचा असेल पण हा विजय आपल्या सगळ्यांचा विजय आहे। आपण केलेल्या कामाची पावती आज आपल्या सगळ्यांना मिळालेली आहे। मी भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपूरच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। असंच सहकार्य, असंच प्रेम आपल्या भारतीय जनता पार्टीवर राहू द्याव ही सर्वांना विनंती करतो। आपण इथे कमी वेळात इथे आला, आपण इथे आल्या त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो, सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि हा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो। अब आप हमारे न्यूज चॅनल को अपने मोबाईल ॲपवर भी देख सकते। अपने मोबाईल ॲपवर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ॲप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।